आज के हमारी इस क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे हैं एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे। तो मेरे पास एक हालांकि ये सैंपल डेटा है, लेकिन जब मुझे प्रॉब्लम मिला था तो एक रियल टाइम डेटा पे मिला था। ठीक है, तो यहां पे प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इस तरह का एक फीचर आया हुआ, डेटा आया हुआ जिसमें बैंक के नेम है और यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय के नेम है और यहाँ पे उनके आवर्स है। तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि यहाँ बैंक जो है एक बैंक में एक ही पर्सन ने काम किया, लेकिन इस तरह से टेबल फॉर्मेट में मिला हुआ है जिससे हम इसकी एनालिसिस वगैरह नहीं कर पाते हैं, कैलकुलेशन वगैरह नहीं हो पाता है। तो मुझे चाहिए कि मुझे इस तरह का डेटा चाहिए कि बैंक यहाँ पे नेम और यहाँ पे आवर। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बट हम इसके लिए क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखिए। सबसे पहले क्योंकि मैं लिस्ट छोटा है लेकिन बड़ा भी हो सकता है, तो छोटी सी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये जरूरी नहीं है कि यहां पे सेम पोजीशन हो, पोजीशन अलग भी हो सकता है। सबसे पहले मैच का फॉर्मूला हम लगाते हैं और पता करते हैं एक कौन से नंबर रो पे है। तो पता चल गया कि दूसरे नंबर रो में है। अब यहां पे एक काम और हम करते हैं कि एक एड्रेस बनाते हैं बी के साथ, बी इसके साथ हमने कंबाइन किया टू कॉन्केटनेट, ये जाता है आपका एफ और ये आपका रहता है टू, एफ टू आ गया, एक रेंज बन गया। फिर मैं इसको सम के अंदर में लेता हूं, सॉरी इक्वल सम के अंदर लेता हूं और इसमें इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्यों लगा रहे हैं आप लोगों को पता है, क्योंकि ये टेक्स्ट है, मुझे इससे आवर मिल गया। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि मुझे इसका आवर मिल गया, बट मुझे इसका नेम भी तो चाहिए। सर तो नेम के लिए क्या करेंगे, तो यहां पे हम वापस हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। मैच का फॉर्मूला इस 10 को हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला की मदद से सर्च करेंगे इसमें और रिजल्ट आपके सामने। ओके, तो ये बता दिया कि पहले नंबर कॉलम पे है, बी से स्टार्ट है, इसलिए वन यहां पे आया है सर। तो यहां पे हम इस वन इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला, इसका ऑफसेट का इक्वल ऑफसेट और इसको सिलेक्ट करते हैं और कॉमा इसमें रो जो है वो है वन जीरो है, क्योंकि तो हमें ऊपर का हेडिंग ही चाहिए ना, और कॉलन यहां पे वन है। पूछ आ गया, तो समझ में आया आप लोगों को कैसे आया। हेलो, नहीं समझ पाया, फॉर्मूला थोड़ा समझना पड़ेगा देखिए समझिए। यहां मैच का फॉर्मूला लगाया जिसने बताया कि आईडीबीआई इसके किस रो में है, तो रो नंबर पता चल गया, हमें कॉलम पता है कि बी से एफ तक है। तो यहां पे हमने कॉन्करेंट लगाया और एक एड्रेस बना दिया जिसमें रो नंबर हमारा डायनेमिक है, जो बैंक के हिसाब से चेंज होते रहता है। क्या नहीं किया, ठीक है, यहां पे इसको फ्रीज करना पड़ेगा इसलिए दिक्कत हुआ।
हर किसी का रोल नंबर चेंज हुआ, यहाँ देखिए ये चेंज हो गया। फॉर्मूले से हमने पता कर लिया कि इसके आवर कितने, क्योंकि मुझे पता है कि इस कॉलर रो में सिर्फ एक ही नंबर है, तो सब में वही नंबर आएगा, तो मुझे नंबर पता चल गया। फिर हमने, अब नंबर पता तो चल गया, लेकिन मुझे हमें ये नहीं पता कि कौन से कॉलम में नंबर है, क्योंकि जिस कॉलम के अंदर डेटा है उसी का नेम उठाना है। जैसे पूजा किस बैंक में, तो है दूसरे नंबर बैंक में, तो मुझे पता चल गया दूसरे नंबर। हम ऐसे नहीं ढूंढ रहे, हम ऐसे देख रहे हैं कि भाई आईडीबीआई बैंक के किस रो किस कॉलम में डेटा है। ये चीज हमें पता कर जाती है मैच। हमने बोला कि मैच किस में मैच करो, तो इसके रेफरेंस में, मतलब कि बी में, बी टू में, बी टू से एफ टू में, बी थ्री से एफ थ्री में, ऐसे अलग अलग। तो उसका क्या दिखा देता है, उसका कॉलम नंबर कि पहले पे। अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो आप देखेंगे कि ये पहले में दिखा दिया, दूसरे में, तीसरे में, इस तरह से दिखा दिया। ठीक है, वो आईडीबीआई बैंक 2 बार रिपीटेड था ना। यहाँ पे कर देता हूँ एक्सेस। और फिर इसके भी आप पे हमने ऑफसेट लगाया, और ऑफसेट से बोला कि भाई इसमें से रो तो सेम ही हो, जीरो इसी कॉल हेडिंग उठाना है, कि कौन से कॉलम का, जो कॉलम हमारा मैच दे रहा है। समझ में आया आप लोगों को? मैन जी, समझ में आया आपको? सर, ये ऑफसेट का जो फीचर है ये एक्चुअली पहले नहीं बोला गया था। ऑफसेट यूज क्यों करते हैं, कब करते हैं, और ये लोग को पता इंडेक्स चलता है मैच मैच कब पढ़ाया था करते हैं? ना, नहीं, ऑफसेट नहीं हुआ ना, इंडेक्स मैच पढ़ाया था। इंडेक्स मैच हुआ है सर, करेक्ट, इंडेक्स मैच हुआ है। हाँ सर, इंडेक्स मैच पढ़ाया है। उसमें ऑफसेट नहीं पढ़ाया था मैंने आपको। ऑफसेट कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों करना चाहिए, ये थोड़ा सा इसका बेसिक पता चल जाए तो फिर क्लियर हो जाएगा। किसको, मैं प्रमोद जी को पता करना है, तोशराम जी को पता करना है, प्रमोद जी मुझे तो के साथ पता है में है आपको, एक्चुअली। हम तो एक्चुअली मैं तो ऑफसेट सब का मुझे फॉर्मूला नहीं पता था। पूरा लुकअप तो पूरा दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा फिर आपको। लुकअप आपका अपडेट ही नहीं है, इसका मतलब लुकअप की सारी वीडियो पढ़ी, देखिए आप जितनी भी वीडियो लुकअप्स की है वो सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। ऑफसेट जस्ट लाइक ए इंडेक्स, इसी इंडेक्स काम करता है, सब शॉर्ट काम करता है। ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको, देखिए बहुत बड़ा फॉर्मूला है, आगे भी बहुत आएगा ये। तो ये क्या है, हम सिंपल कर रहे हैं कि भाई यहां से जीरो रो, मतलब कि सेम रो एंड पहला कॉलर, तो यहां से चलेगा 0 1, इसका डेटा दे देगा, इसका काम डेटा देने का है। इसमें क्या करना है, 0 1 2, क्योंकि यहां पे 2 दिया हुआ है रो नंबर, तो दूसरा रो दे देता है, यहां पे दूसरा कॉलम दे देता है, सॉरी 0 रो तो 0 ही है ना। इस फॉर्मूले को मैं ट्राई करेंगे तो समझ में आएगा। अब मैं इस फॉर्मूले को मर्ज कर देता हूं, तो मर्ज कहां पे करना है, B10, तो जहां जहां B10 है मैं वहां वहां पेस्ट कर देता हूं, और यहां भी हमारा B10 है तो पेस्ट कर देता हूं। फिर वापस इस एड्रेस को उठाता हूं मैं, और कहां पर है, इनडायरेक्ट C10 में है, और कहां है, यहां भी है, और यहां भी सीटेन नहीं, यहां सीटेन नहीं है। इसको उठाता हूं और यहां जहां D10 है उसके जगह पे पेस्ट कर देता हूं। यहां भी D10 है नहीं, इससे लिंक है, इससे लिंक है, तो कॉपी करता हूं, यहां जहां E10 है वहां पे पेस्ट कर। तो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं आज इसको कट करके नीचे करता हूँ ताकि आप लोग इसको सहूलियत से यूज कर सके। और फिर इसको उठाया और हमने इसको आवर में रख दिया, और इसको उठाया और इसको हमने नेम में रख दिया।
क्या डेटा मेरा? अब डेटा किसी भी प्लेटफॉर्म में होगा, मान लो नीरज जो है, और नीरज जो है इस पे काम नहीं कर रहा है, और ये उदय भी नहीं काम कर रहा है, तो उदय काम कर रहा है एचडीएफसी में, तो जैसे ये डालूंगा उदय का यहाँ पे आ जाएगा एचडीएफसी बैंक में, और एक्सिस बैंक में मैंने जैसे 7 डालूंगा यहाँ 7 आ जाएगा, तो डेटा अपने आप यहाँ पे शो कर देगा किसी भी अरेंज में किसी भी सिक्वेंस में क्यों ना हो। अब यूज, अब इस डिपेंड करता है आपको कि इसको यूज करके आप देखें, ठीक है, और बाकी ऑफसेट की पूरी फॉर्मूला को आप देख ले, नहीं तो इस सैटरडे आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्त नारायण जी, सैटरडे संडे, तो मैं फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर दूंगा, चलिए सेव कर दीजिएगा फाइल एक बार। ये फाइल सेव कर देता हूँ। ऑफसेट के लिए कोई लिंक है सर?